राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकाल की नगरी उज्जैन का दौरा किया। उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और देशवासियों के सुख समृद्धि, मंगल एवं कल्याण की प्रार्थना की। आपको बता दें कि महामहिम के आगमन को लेकर महाकाल मंदिर को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया था। देखिए ये खास खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उज्जैन के दौरे पर गई और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। वे ऐसा करने वाली देश की 10वीं राष्ट्रपति बनी। इस खास मौके पर उज्जैन को भव्य रूप से सजाया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत महाकाल लोक के नंदी द्वार पर स्वस्ति वाचन और शंख वादन से हुआ। इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान महामहिम ने बाबा महाकाल से देश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। महाकाल दर्शन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत श्रमदान भी किया। राष्ट्रपति, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाड़ू लगाकर सफाई की। महाकाल लोक देखने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने त्रिवेणी सभा मंडपम में मूर्ति बनाने वाले शिल्पकारों से बातचीत की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्रों का सम्मान और इंदौर उज्जैन हाईवे का भूमि पूजन कर मध्य प्रदेश की स्वच्छता को लेकर जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।